इस किस तरह से ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर, इस तरह से पार होता है सब लोग। हिल रहा है, किस तरह जाना पड़ रहा है जुगाड़ करके। हेलो गाइस, देखो यहाँ में गाइस पूरा नदी फुल ब्रिज है। इस तरह से गाइस क्या मौसम है यार, एकदम मस्त। गाइस ये है मणिपुर, आज से तकरीबन एक साल पहले इस तरह से पूरा कुकी और मायते के बीच में अनबन की वजह से पूरा बर्बाद हुआ मणिपुर, और अब बारिश की वजह से पूरा बर्बाद हो रहा है मणिपुर। पूरा मणिपुर डूब रहा है, पूरा शहर पूरा डूब गया हुआ है, पूरा लाइट शाइट बिजली नेट सब ऑफ है यहाँ पर। गाइस मैं भी 8 दिन से वहाँ फंसा हुआ था, तो 8 दिन के बाद मैं लौटा हूँ। बारिश की वजह से पूरा तबाही मची हुई है। आप लोग ने थंबनेल में और वीडियो में हाईलाइट में देख ही लिया होगा पहले, तो आप लोग वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। बहुत रिस्क लेके बनाए हुए वीडियो, वहाँ कैमरा निकालना मतलब अलाउड ही नहीं है, मतलब कैमरा निकालना बहुत रिस्क है वहाँ पर, तो फिर भी कोशिश किया हो बनाने के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और विलेज में गया हो, लोगों से बात किया हो, वहाँ के लोगों से अभी कैसे हाल चाल है, विलेज विलेज में जाके बात किया हो। बारिश गिर रही है, बारिश किस तरह जाना पड़ रहा है जुगाड़ करके बारिश में। गाइस मैं आ चुका हूँ अभी छोटे से विलेज में यहाँ मणिपुर के, आप लोग को देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए गाइस इतने सुंदर विलेज है गाइस, छोटे छोटे घर है, और देखिए बच्चे लोग वहाँ में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखिए गाइस देख सकते हैं आप लोग, पूरा पहाड़ है पहाड़ के बीच में। तो देख लिया आप लोगों ने कितना मस्त विलेज है। अभी तो ज़िंदगी वो लोग की पहले जैसे चल रही है, मगर अभी भी मतलब मणिपुरी और कुकी के बीच में बॉर्डर हो चुका है बीच में, तो वहाँ में वीडियो अलाउड नहीं, इसके लिए वहाँ में नहीं लिया है, वहाँ में रिक्स है, तो इसके लिए वीडियो नहीं लिया है। बहुत रिक्स लेके वीडियो बना रहा हूँ। गाइस लोहार का काम हो रहा है, कितना मस्त विलेज है, वाह वाह। ये देखिए यहाँ में कुछ कुछ पाला हुआ है, हमें क्या, हमें आपका पिक पिक सुअर सुअर पाला हुआ है यहाँ पर, भी सुअर पाला हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे घर है, ऊपर में खेत वगैरह लगाया हुआ है, वो पहाड़ सब में खेत वगैरह लगाया हुआ है। देख सकते हैं मॉर्निंग के 8 बज रहे, 8 बज रहे का नज़ारा देखिए विलेज का, कितना मस्त है यार। इधर कुछ लगाया हुआ शायद मकई, देखिए मणिपुर के ऐसे जगह में आगे देखिए किस तरह गाड़ी को पार किया जाता है, देख सकते हैं गाइस पूरा झूलता है, झूलना ब्रिज वो देखिए, इस तरह से घर एकदम पहाड़ों के अंदर में, ये रोड हो गया, इधर भी लोग रहते हैं। देख सकते हैं बारिश हो रही है, क्या मौसम है यार यहाँ का, बस मस्त लग रहा है यार। अभी 1-2 दिन यहीं रुका हूँ मैं, 1-2 दिन से देख सकते हैं आप गाइस। तो गाइस यहाँ पे अलग अलग जगह का विलेज का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लोग से बात कर रहा हूँ, और लोग कैमरा के सामने नहीं आ रहे, थोड़ा अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है बोल के वीडियो में नहीं आ रहे, और लोग से बात उत किया। अभी तो जैसे लाइफ वैसे चल रही है, यहाँ पर आपको विलेज दिखा देता हूँ। ये देखिए देख सकते हैं अलग अलग विलेज है यहाँ पर, अलग है गाय लोग है इधर, देखिए पूरा देसी घी मतलब पूरा विलेज। देखिए ब्रिज किस तरह से बना हुआ है, डर लग रहा है यहाँ से जाने के लिए पूरा, देखिए आपको दिखाता हूँ इस किस तरह से ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर, इस तरह से पार होता है सब लोग। इस किस तरह से ब्रिज है यहाँ पर, बाप रे बाप डर लग रहा है। तो देखिए हिल रहा है पूरी तरह से हिल रहा है ब्रिज पूरा, देखिए डर लग रहा है गाइस पूरा, अरे वाह रे वाह, कभी नहीं आया ऐसा जगह पर। हेलो गाइस देखो यहाँ में इससे बैलून बनाने वाला है, देखिए देसी बना ला। ये देखिए देसी देखा गाइस यहाँ में 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार,
मौसम बहुत सही है, बारिश की वजह से मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। देखिए आपको मौसम थोड़ा दिखा देता हूँ इस विलेज में, देख सकते हैं गाइस दो दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। पूरा देखिए मौसम क्या मौसम है यार गाइस, पूरा बारिश हो रही है। इसके लिए ना गाइस ज़्यादा घर नहीं, यहाँ पर गिने चुने 5-10 घर हो गए बस। पूरा मणिपुर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, विलेज विलेज जाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पूरा पहाड़ के साइड में बसा हुआ गांव। तो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे देखिए लगातार मेरा अभी 3-4 दिन हो चुका है, यहाँ पे चौथा दिन चल रहा है यहाँ पर। बारिश की वजह से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। वेस्ट और नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट तरफ में पूरा बारिश हो रही है, और साउथ और ईस्ट साइड में पूरा गर्मी इंडे के। देखिए ना यहाँ पर बारिश के लिए निकल नहीं पा रहा हूँ। ब्रिज सब भी बहुत कुछ मतलब नुकसान हो चुका है यहाँ पर, इम्फाल वगैरह वो जगह में ना। आज मैं कोशिश करता हूँ निकलने के लिए। कोई यहाँ में खेत रोपने का टाइम हो गया, धान लगाने का टाइम है। लोगों को दिखाता हूँ, देखो किस तरह से काम कर रहे हैं गाइस। पूरा खेत का काम हो रहा है यहाँ पे, वो देखिए काम कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए पूरा खेत में पानी ही पानी हो गया है बारिश हो के। अभी धान लगाए गए शायद लोग, अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है। तरह बढ़ गया है, ब्रिज बंद हो गया ये है। फाइनली गाइस आज पहुंच चुका हूँ घर में, पूरे 8 दिन के बाद। डे 24 को गया था और आज पहुंचा हूँ डे 31 में। बहुत बुरी तरह पहुंच चुका था वहाँ पर, बारिश की वजह से पूरा तबाही मच गई थी वहाँ पर। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को बहुत प्यार भी दीजिएगा, और सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट जरूर करिए। कैसा लगा वीडियो, बहुत मेहनत से बनाया हूँ। अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो से जल्दी जल्दी आएगा, वहाँ फंस चुका था बोल के थोड़ा लेट हुआ है। तो अभी के लिए बाय। देख सकते हो लोग सुबह के 6:30 बजे का मंजर नज़ारा, बारिश हो रही है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए सब तरफ।